अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज आपको जो वीडियो लेके आए हैं इसमें नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के मुताबिक हम पढ़ना सीखेंगे। इसमें हम बताएंगे कि किस तरह चेस्ट एक्सरे हम रीड आउट कर सकते हैं। इसमें ये वर्ड्स दिए गए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, एल फॉर लंग्स, ट्रैकिया, एरेक्टिक नोब, एसेंडिंग एरोटा, वो उनकी मज़ीद वहाँ पे शो भी किया गया है कि रिब्स कहाँ हैं, हार्ट कहाँ हैं और स्पाइनल पल्मोनरी आर्टरी किधर किधर है। तो नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। अगर हम किसी चेस्ट एक्सरे में देखें तो वो क्या कैसे पता कर सकते हैं, उसमें डायनेस्टी इन लेफ्ट लोअर लंग्स फिल्ड होगा, लॉस ऑफ लेफ्ट हार्ट होगा इसमें, यानी कि हार्ट वाली जगह पर वो आपको वाइट वाइट शो हो रहा होगा, ग्रामेटिक सिलिक्योट इंटैक्ट होगा। नेक्स्ट है प्लियर एफियन, इसमें होमोजेंसिस डायनेस्टी होगी, इसमें लॉस ऑफ कार्डियोफेरिंक एंजल होगा, लॉस ऑफ डायग्राम और राइट कार्डियक होगा इसमें, यानी कि एक जो आपका फेफड़ा होगा वो बिल्कुल वाइट शो हो रहा होगा इसमें। नेक्स्ट इसमें राइट कार्डिक सर्क्युलेटरी होगा, यानी कि जो कार्डिक वाइट साइड पे होगी ना वो भी थोड़ा वाइट होगा। नेक्स्ट है मैसिव प्लियर एफ्यून, ये कैसे शो होता है ये आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, अगर आप जूम आउट कर सकें तो एफ्यून कहाँ पे शो हो रही है, मैसिव हो रही है, शिफ्ट ऑफ मेडिस्टेनियम होगा इसमें, यानी कि ये बिल्कुल वाइट शो हो रहा होगा आपको देखने में। तो आम लोकेटेड प्लियरल एफ्यूजन, इसमें होमोजेंसिस डायनेस्टी होगी, लोकेटेड होगा, लॉस ऑफ कार्डियोफ्रेनिक एंगल होगा, इसका लॉस ऑफ लैटरल पोर्शन ऑफ डायग्रामेटिक सिलिकॉइड, यानी कि इसको अगर हम देखें तो इसके एक साइड फेफड़े की बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, बिल्कुल वो वाइट शो हो रही है और इसका नीचे वाला भी वाइट शो हो रहा है, इसमें काफ़ी इन्फेक्शन आपको शो होगा। नेक्स्ट है एटीलेक्टिस राइट लंग्स, यानी कि लाइट राइट जो लंग्स होगा फेफड़ा होगा वो बिल्कुल वाइट शो हो रहा होगा, ख़त्म हुआ होगा, होमोजेनेजेंसिस डायनेस्टी होगी, राइट हेमीथोरैक्स थोरैक्स होगा उसमें। नेक्स्ट है लेफ्ट लोअर लोब, इसका लेफ्ट साइड का जो लोअर लोब होगा फेफड़े का वो वाइट शो होगा, इसमें इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हुआ होगा, यानी कि हम इसमें इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसकी लेफ्ट हीलियम प्लेट डाउन होगा। नेक्स्ट है प्लियोरल फेरोसिस, स्मॉल राइट हेमी थोरैक्स इसमें होगा, डिफ्यूज हेजीनेस, ट्रैकियल शिफ्ट टू राइट, ब्लूटेंट कोस्टियल एंगल एंड लाइंस नॉट क्रॉसपॉन्डिंग टू द फिशियर। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुई होगी तो उसका अगर चेस्ट एक्सरे होगा तो वो कैसा होगा, तो उसका एल्वियल कैविटी होगी, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो ख़त्म हुआ होगा इसकी फेफड़ों का, तो कैविटी बिहाइंड क्लेविकल नॉट इंक्रीज्ड डायनेस्टी एंड क्लेविकल इन द रीजन ओवरलाइंग कैविटी प्लियोरल एफ्यूजन ऑन राइट, इसमें आप ऊपर वाली इसे शो खाली नज़र आ रहा होगा। तो ये फंगल बाल का अगर चेस्ट एक्सरे होगा जिसमें फंगल बाल हुई होगी तो वो उसका चेस्ट एक्सरे बिल्कुल डार्क कलर का और ऊपर से वाइट होगा और उसके जो स्टर्नम वाला हिस्सा है वो वाइट शो हो रहा होगा। नेक्स्ट है मेलरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें यानी कि मेलरी ट्यूबरकुलोसिस जब होगी आपको तो आपको चेस्ट एक्सरे कैसा होगा, तो इसमें आप देख सकेंगे कि इंटरस्टीशियल नूडल्स इन यूनिफॉर्म साइज होगा, निमोथोरैक्स, नो वेस्कुलर मार्किंग ऑन राइट, नो शिफ्ट ऑफ मेडिटेरेनियम, इसमें डीप सेल्सिस होगी, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि ये निमोनिया टाइप होगा,
टेंशन निमोथोरैक्स, नो वैस्कुलर मार्किंग ऑन राइट, शिफ्ट ऑफ मेजिडर्म टू लेफ्ट, डीप सेल्सिस होगी इसमें, इंक्रीज हेजीनेस ऑन लेफ्ट साइड होगी, एंटेरिक कार्डिक आउटपुट होगा, हाइपोथोरमेनिक्स इसमें एयर इन प्लियोरल कैविटी होगी, लंग मार्जिन विजिबल होगा, बायलैटरल फ्लूइड लेवल इसका होगा, एनी टाइम यू सी अ हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेवल इट मीन दैट देयर इज एयर फ्लूइड इन द प्लियोरल स्पेस, यानी कि इसमें हवा भरी हुई होगी। प्लियोरल सेल कार्सिनोमा, यानी कि इसमें आपको कार्सिनोमा शो हो रहा होगा, एल्वियुलर सेल होगा, कार्सिनोमा सेल होगा, एल्वियल इंटीरियल सेगमेंट होगा, राउंड विद इररेगुलर मार्जिन होगा, एयर ब्रोंकस होगा, पैनकोस्ट ट्यूमर यानी कि इसमें ट्यूमर होगी, पैनकोस्ट के राइट एपिकल मैस होगा इसमें शो किया गया होगा, आपको वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, कैविटी मैस होगा, पैराट्रैकियल नूडल्स होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन होगी एंड क्लासिफाइड नूडल्स होंगे इसमें आपको ऊपर शो किया गया है के सेकेंड रिब्स कहाँ पे है। लार्ज सेल कैंसर इसमें आपको शो किया गया है कि लार्ज सेल कैंसर शो हो रहा होगा, मैस एलवीएल होगा। तो नेक्स्ट अगर आप शो करें मैस आरयूएल होगा, लंग मैस मैस इसमें शो होगा, राउंड ऑफ और ओवल होगा, शार्प मार्जिन होगा, होमोजेंसिस नो रिस्पेक्ट फॉर एनाटॉमी, लंग कैंसर लार्ज सेल्स होगा इसमें, ये फेफड़े के दरमियान से वाइट वाइट शो हो रहा होगा हल्का सा। तो लंग एब्सेस यानी कि उसमें फेफड़ों पर किसी किस्म की कोई एब्सेस निकलाना इसमें आपको शो होगा, बायलैटरल मल्टीपल एंड फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल शो हो रहा होगा जैसे कि इस एक्सरे में अगर आप नीचे देखें। तो पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा अगर आप देखें तो उसका चेस्ट एक्सरे इस तरह का होगा, बायलैटरल होगा, डिफ्यूज होगा, बटरफ्लाई पैटर्न होगा, सॉफ्ट फ्लेजन लेजन होगा एंड कोलिसिंग होगा, एयर ब्रोंकोराम होगा यानी कि इसमें हवा भरी हुई नज़र आएगी आपको। शुक्रिया अगर आपने वीडियो लाइक की। नेक्स्ट है एम्फिसीमा, एम्फिसीमा में ये एक आरटीआई की डिजीज है, हाइपर इसमें चेस्ट एक्सरे होगा, हाइपर इन्फ्लेमेशन होगी, लो लेफ्ट साइड पे डायफ्राम होगा, वर्टिकल हार्ट होगा, बैरल शेप होगी, एम्फिसीमा होगा इसमें शो हो रहा होगा। तो प्री डोमिनेंट वेसल इन्वॉल्वमेंट होगी यानी कि कोई एविडेंट नहीं होगी इसमें, दोनों चेस्ट एक्सरे साइड से वाइट शो हो रहे होंगे और इसके दरमियान वाला हिस्सा भी वाइट शो हो रहा होगा, लिहाजा जब भी आप इसको एक्सरे को देखेंगे तो जो लंग्स हैं वो तो डार्क नज़र आएंगे लेकिन आपको उसके साइड से बिल्कुल वाइट हुआ शो हो रहा होगा, तो ये एम्फिसीमा को शो कर रहा होगा।